जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था 2 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैथ्स के सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे, सीखेंगे। अगर आप पहले कहीं पढ़े हैं तो आपका रिवीजन होगा और कुछ नए नए तरीके इसमें सीखेंगे। आपको बता दें कि हमने खुद एसएससी सीजीएल सीपीयू और जीटी तीन परीक्षाओं को निकाल रखा है। इसके साथ ही टीचिंग इज माय पैशन, पढ़ाना मेरा पैशन है। तो मैंने जीटी कांस्टेबल में दौड़ने नहीं गया था। इसके अलावा सीपीयू में भी मैंने जो है फिजिकल में भाग नहीं लिया था, क्योंकि मुझे टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि u प्लस भी 80 के बराबर है, u रेशियो भी 5:3, तो u माइनस भी का वैल्यू कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए, कुछ नहीं करना होता है। u प्लस भी यहाँ अगर दिया है तो रेशियो भी हम लोग u प्लस भी का निकाल लेते हैं, यानी कि जोड़ देंगे दोनों को। तो जोड़ेंगे तो 5+3 8 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 80, यानी कि 8 झोला में 80 आम, तो 1 झोला में कितना आम? 10 आम। ठीक है, झोला मतलब थैला। तो यहाँ पे देखेंगे आप, U से V का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे 5 और 3 का आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो यानी कि 1 का वैल्यू 10 के बराबर है, तो 2 का वैल्यू 2 × 10 यानी कि 20 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, a बराबर 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, और b बराबर 16/5 तथा 4/25 का एलसीएम। ठीक है, और आपसे पूछा है a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा ये आपको बता। तो आप देखेंगे कि ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है। a बराबर हमको पहले निकालना होगा। तो आप देखेंगे 3/4 और 9/16 जो है उनका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ यहाँ पे फ्रैक्शन में है, बट्टा में है, तो एचसीएफ जब निकालना होता है बट्टा वालों का, तो ऊपर वाले का हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो आप देखेंगे 3 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाले का उसका उल्टा, यानी कि एचसीएफ का उल्टा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो आप देखेंगे 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। ठीक है, तो a बराबर हमारा निकल के आ गया क्या चीज, 16। अब देखिए b बराबर हम लोग जो है क्या करेंगे, 16/5 है और 4/25 है। 16/5 और 4/25 का हम लोग एलसीएम बोला है। तो एलसीएम क्या करते हैं, ऊपर वाले का जो बोला है वो ऊपर वाले का करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एलसीएम बोला है तो वो ऊपर वाले का निकालेंगे, तो 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और नीचे वाले का निकाल देंगे एलसीएम, यानी कि 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो आप बी बराबर यहाँ पे निकाल लिए कि आपका 16/25 आ रहा है, और आपको ए प्लस बी निकालना है जैसा कि सवाल में आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, 3/16 + 16/25। ठीक है, अब देखिए यहां पे, सॉरी एक सेकेंड, तो यहां पे एचसीएफ निकालना है ना नीचे वाले का, तो 5 और 25 का एचसीएफ जो होगा 5 ही होगा, 25 नहीं होगा, 25 तो एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पे अब चलते हैं और इसको हम 5 करते हैं, तो अब इसको जोड़ देंगे, तो एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, क्योंकि जोड़ने में तो नीचे वाले का एलसीएम लेना होता है। तो 16 और 5 का एलसीएम होता है 80, 16/25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 5 × 3 = 15 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 16 में 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 का स्क्वायर करने पे आपको पता है 256 होता है, और 5 × 3 = 15 यानी कि 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 271/80 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो देख सकते हैं आप, हमने ये पेपर क्यू मैथ से खुद डाउनलोड किया है, वहां से ये ऑफिशियल आंसर की है जो कि एसएससी द्वारा जारी किया गया था, उसी सवालों को हम जो है सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कुछ नया सीख कर जाइए, इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए, लोगों को और बताइए कि यहाँ पे चैनल पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है,
किसी वस्तु को 25% क्या है, एक सेकेंड इसको जरा हाईलाइट करते हैं, किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर है 1250 रुपया। अब देखिए, जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है? आपसे ये पूछा, तो आप एक चीज आपको हम देखिए बताते हैं, हम एक ऐसे पहले लाइन पाल लिए सीपी, इसको हम लाइन को मान लिए सीपी, ठीक है? अब इधर वाले को हम लेके चलें कि ये अगर लाइन के आप इस साइड अगर हैं तो यानी कि 37.5% का यहाँ पे दिया है लॉस हो रहा है, ठीक है? अब 25% का जो है लाभ हो रहा है तो ये इधर है। अब देखिए, हम मान लें कि सीपी क्या था, 100 था, सीपी का अगर 100 यहाँ पे मानेंगे या नहीं मानेंगे तो भी कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, इसको आप ना भी मानिए तो कोई मतलब नहीं। अब आप देखेंगे 37.5 का लॉस हो रहा था और 25 का लाभ हो रहा है तो डिफरेंस कितना है, आप खुद बताइए। हम आपको एक चीज पहले बताते हैं, सीपी हमने मान लिया कि पहले 100, इसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, सीपी हमने मान लिया कि 100 है। एक बार आदमी का किया कि 20% के लाभ पे बेच रहा है तो कितना बेचेगा, 120 में बेचेगा। दूसरा बार क्या किया कि 20% के लाभ हानि पे बेच रहा है, 20% 10% मानते चलिए, तो 10% के हानि पे बेचेगा तो कितना, 90 पे बेचेगा। तो आप देखेंगे डिफरेंस कितना है इन दोनों का, ये 10% का हानि हो रहा था, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा था, तो आप देखेंगे डिफरेंस है कितना, 20 + 10 यानी कि 30 का डिफरेंस है। आप ऐसे भी घटा के देख लीजिए कि 120 में 90 में कितना डिफरेंस है, तो 30 आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे आपको जो है समझाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 37.5 और 25% का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 62.5, तो यानी कि 62.5 जो है किसके बराबर है, यहाँ पे रुपया में अंतर दिया है 1250 के बराबर, और ये हमारा परसेंट में है, परसेंट में यहाँ पे इसको इधर रखेंगे हम लिख लिए हैं, तो 62.5% का वैल्यू 1250 के बराबर है। ये एक जो है डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक जीरो आएगा, अब देखेंगे 625 हो गया, 625 से दो बार में 1250 तक कट जाएगा, एक जीरो चिपका, एक जीरो हम भी चिपका देंगे। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तब, यानी कि कोई भी चीज आपको सीपी हमेशा 100 मान के चलना होता है, जब इस टाइप का यानी कि आसान सा वैल्यू प्रॉफिट और लॉस का दिया होगा तो 112.5 का हमको निकालना क्या है कि 100 तो हम मानेंगे सीपी, यानी कि 112.5% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे आप 1125 इसको बना लीजिए पहले, क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना 20 को 2 × 10 लिख सकते हैं, तो जब 10 से गुना होगा इसमें तो 1125 हो जाएगा, और फिर जो है 2 से कर दीजिए, क्या है कि 2 से अभी आप नहीं किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा सीधे आपका यहाँ से आंसर। आपको कैलकुलेशन भी बहुत जबरदस्त आना चाहिए एसएससी एमटीएस में निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ चलते हैं, 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत 53 है तो x का मान कितना है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कुछ नहीं करना होता है, हम क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे नहीं सबको ना ही देखेंगे सब, वो तो बच्चे भी कर लेंगे, ये तो छठी क्लास का बच्चा भी कर लेगा, तो क्या मतलब है उसका कॉन्सेप्ट और हमारा कॉन्सेप्ट में जब डिफरेंस ना हो तो कोई से कोई भी कर लेगा, वो भी निकाल लेगा एसएससी एमटीएस का पेपर नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे फास्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए हम नेट डेविएशन निकालेंगे, 53 औसत लिया है 53, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो 53 से ये कितना कम है, तो 4, तो यहाँ पे माइनस लगाएं क्योंकि कम है। अब देखिए ये 9 ज्यादा है तो प्लस का, ये 16 कम है तो माइनस का 16, ये प्लस का 2, ये क्या है पता नहीं है। अब देखिए 16 और 4 = 20 यानी कि माइनस का 20 हमारा आ गया। अब देखिए 9 + 2 = 11 यानी कि प्लस का 11 हमारा आ गया। अब देखिए माइनस 20 में से प्लस का 11 जाएगा तो हमारा आएगा माइनस का 9, और नेट डेविएशन आपको जीरो रखना होता है, तो यानी कि प्लस का 9 यहाँ पे
होगा, किस में प्लस का नाइन होगा, जो औसत दिया हुआ था 53 उसी में प्लस का नाइन हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो 62 यानी कि 62 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है डीआई का सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे दिया गया है। कंपनी C6 द्वारा प्रदत्त लैपटॉपों का संगत केंद्रीय कोण दशमलव के एक स्थान तक कितने डिग्री का है? तो देखिए C6 कितना है, 11% है, 11% है। अब देखिए 11/100 × 360 करेंगे, क्यों करेंगे, परसेंट के लिए नीचे 100 लिखते हैं और इसको 360 डिग्री में कंपेयर करना होता है। ये टोटल कितना होता है पूरा, ये जो है ये एकदम टोटल अगर हम इसको देखें तो डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आप देखेंगे 360 डिग्री का है तो नीचे 0, 1, 0 से 1, 0 कट जाएगा, अब कुछ कटने वाला नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए सीधे, और यहाँ पे 10 को कटाने का बेवकूफी नहीं कीजिए, आप 10 को जब कटा देंगे तो आप सीधा सीधी उसका डेसिमल बैठाने का फायदा जो है आप नहीं उठा पाएंगे। तो देखिए 36 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा 3396 दशमलव बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे एक के साथ एक जीरो है तो पॉइंट ऐसा जगह होगा जहाँ उसके बाद एक डिजिट हो, तो 39.6 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के सवालों में कभी नहीं करना होता है कुछ, एकदम आप आराम से बनाइए, सक्सेसिव रेशियो का सवाल ये है, तो आप सक्सेसिव रेशियो में इस टाइप के सवालों को करते हैं कब, जब हमारा ये परसेंट का वैल्यू इजी वाला दिया हो तब। तो देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 12% का हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें तो 4 से 3 बार में 4 से 25 बार में, और ये आपको याद रखना है रट के एकदम। तो यानी कि 25 का अगर सामान था तो उस पर 3 का छूट दिया है, यानी कि कितना 22 में बेचा हुआ, तो हम इधर कर लिए 25 से 22 का रेशियो निकालिए। अब देखिए 10% का फिर छूट दिया है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10/100 अगर करेंगे तो 1/10 आएगा, यानी कि 10 का अगर सामान था तो उस पर 1 का छूट दिया गया, यानी कि सामान बेच कितना में रहा है, 9 में बेच रहा है आप बोलेंगे। अब देखिए कटने लायक जो है उसको कटा देना होता है, तो देखिए अब न यहाँ पे लेकिन हम कटाएंगे नहीं तो भी बहुत अच्छा से बन जाएगा क्योंकि इजी ही होगा। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य है, ये जो इधर वाला चीज है वो हमारा आ गया अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, और इधर वाला जो चीज है वो आएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतना नीचे वाला मार्क प्राइस है, उसमें से जब घटाएंगे इस वाले चीज को डिस्काउंट जब देंगे तो क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वही चीज हमने यहाँ पे रेशियो लिए हैं। तो देखिए इस जो मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले को इधर से तो ये हो जाएगा 25 में 10 से करेंगे तो 250, 22 में 9 से करेंगे तो 198। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू 2500 दिया है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया है, एक जीरो चिपका दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 198 में भी हम एक जीरो चिपका देंगे तो 198 पे एक जीरो चिपकेगा तो 1980 हमारा हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है, यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना है? तो देखिए भाई ये महेश है ये सुमित है, यानी कि महेश और सुमित का यहाँ पे जो रेशियो भी दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है, महेश और सुमित यहाँ पे हम ले लिए 7:4, ठीक है। बोला है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है, तो अब देखिए महेश का वेतन सुमित के वेतन से कितना अधिक है, 3 अधिक है रेशियो में, और सवाल में कितना 12,000 दिया, यानी कि 3 का वैल्यू 12,000 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 4,000 के बराबर होगा। तो सुमित का वेतन पूछा है आपसे, सुमित का वेतन कितना है, 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 4,000 में, क्या कि 1 का वैल्यू 4,000 तो 4 का वैल्यू 4,000 में गुना करना होगा 4 से, तो हमारा जो आंसर आएगा 16,000 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह के सवालों को करना होता है, और ये सब सवाल बिल्कुल मन में करने लायक है, लिखना भी नहीं है, एक कलम भी नहीं चलाना इसके लिए। आगे चलते अब देखिए ये देखिए सवाल जो है बोर्ड मास का यहाँ पे सवाल आ गया, तो आप जो है इसको
बहुत ही सावधानी से करना होता है, वरना इस टाइप के सवालों में भी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। तो देखिए भाई, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हम जाएंगे, क्या है कि बी फोर ब्रैकेट होता है पहले, तो इस ब्रैकेट में हम पहले गए, तो जब ब्रैकेट में आए तो 2/5 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये भाग का साइन गुना में बदल जाता है। अगर ऐसे है 2/5 तो 2 × 1/5 हो जाएगा, क्योंकि ये पलटी मार दिया, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये भाग का चिन्ह गुना में बदल गया, भाग का चिन्ह गुना में, और 1/5 हो गया, क्योंकि ये पलटी मार देता है। कभी भी ऐसा ही होगा जब भाग दिया हो तो। अब देखिए इसको जरा हम क्लियर करते हैं, हाँ यहाँ पे आके तो 2/5 है और इसमें इससे गुना होगा, क्या है कि इसको हम ब्रैकेट खोल दिया, ये जो है इस ब्रैकेट के अंदर है, ये हो जाएगा कितना 25/8। अब ये जो होगा भाग है यहाँ पे है तो ये गुना हो जाएगा ऐसे, और 5/2 नीचे इसके अंदर बनेगा, लेकिन जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भाग का साइन गुना में हो जाएगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। ये आपको इतना मन में करना है, इतना भी नहीं मन में करेंगे तो क्या करेंगे। अब देखिए ये 5 और ये 5 मिलके 25 हो जाएगा, जो कि इस 25 को कटा देगा। अब देखिए 2 × 4 × 8 तो इस 2 बार में इसको कटा देगा, समझ रहे हैं बात इतना कि नहीं, बताइए। आप देख सकते हैं ये 2/5 हम किए हैं, 25/8 किए हैं, और ये जो 5/2 हुआ है उल्टी मार दिया है और 2/5 हो गया है, और ये जो है ये सब भी अब हमारा जो है ब्रैकेट के अंदर से निकल के आया, यहाँ पे क्या निकल के आया आप बोलेंगे 1/2 निकल गया, क्योंकि ये 2 और ये 2 ऊपर वाला भी कट गया है और नीचे केवल 2 है, तो 1/2 हम लोग इसको यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचा हुआ है, 0/2 नहीं बोल दीजिएगा। अब देखिए अब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको भी हम खोलने का कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर 3/7/4 और फिर जो है कुछ इस तरीके का बना हुआ। अब देखिए जब ई वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो आप देखेंगे कि ये भाग का साइन है, तो भाग का साइन फिर गुना में बदलेगा और ये रिवर्स मार लगा, यानी कि 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 3। और देखिए यहाँ पे पहले आपको ऑफ देखना होगा, यहाँ पे पहले ऑफ है तो आप 3 में 7 से मल्टीप्लाई करके पहले ही 21 बना लीजिए, और यहाँ पे भाग का साइन है तो यहाँ 4 और यहाँ पे भाग का साइन है तो 2 ऐसे। अब देखिए 2 × 4 आप सीधे कटा सकते हैं, यहाँ पे बट्टा में करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे अब कोई कटने वाला चीज नहीं है, तो यहाँ से 21/2 हो जाएगा, ये चीज कटा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए 21/2 हो जाएगा, अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर था, देखिए यहाँ से ये ब्रैकेट ये वाला लगा हुआ है, ये ऐसे वाला, तो ये ब्रैकेट के अंदर था तो ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो इसके साथ माइनस लगा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस लगा है। अब देखिए अब ये 7/2 है, क्योंकि 7/2 यहाँ पे डिवाइड का साइन, तो हम इसको बट्टा कर लेंगे, 7/2 − 21/2 हमारा हो गया यहाँ पे, और इसी को केवल सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एंसर। तो अब देखेंगे नीचे तो एलसीएम लेना नहीं है, बिल्कुल 2 ही हो जाएगा। अब 7 में से 21 घटेगा तो 14 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो यहाँ पे −14/2 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो माइनस का 7 हमारा हो जाएगा यहाँ पे एंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए ये कितना अजीब सा और अच्छा सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जो कि कई लोगों को कंफ्यूज कर देगा। हमको नहीं लगता है कि 20% से ज्यादा लोग इसको जो है अटेम्प्ट कर पाए होंगे और सही कर पाए होंगे जब एग्जाम में पूछा गया होगा। देखिए वर्ष 2019 की मादी का तिथि, मीडियन डेट पूछा है आपसे, मीडियन डेट। तो देखिए भाई मीडियन का मतलब ही क्या होता है, एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है चीजों को सजाना होता है, जो डाटा दिया हुआ रहता है उसको, तो ये चीज तो हम लोग डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इसको जो है पहले बना लेते हैं। तो देखिए भाई जब इस टाइप का जब भी सवाल मिले, इस टाइप का जब भी आपको सवाल मिले, तो वर्ष 2019 को देखिए कि लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो भाई 366 दिन होगा, और ऑर्डिनरी ईयर है तब तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा, हालांकि इसमें भी आसानी होगा, तो इसमें कितना 365 दिन होगा, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर
का अभी बात छोड़िए, ये ऑर्डिनरी है तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी वाले पे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए 365 दिन का आधा आप देखिए कौन होता है, तो 365 दिन में से पहले आप एक कम कीजिए, 365 दिन में से एक कम कीजिए तो हो जाएगा 364। अब इसका आधा कीजिए तो कितना 182, और 182 दो भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं और एक बच गया। तो देखिए भाई आपको क्या करना होता है कि 182 दिन के बाद यानी कि जो 183वां दिन आएगा, इसके बाद जो 183वां दिन आएगा यानी कि इन दोनों के बीच में जो दिन आएगा वही इसका मीडियन डेट कहलाएगा। आप इधर से निकालेंगे तो आसान पड़ेगा। तो अब देखें कि 182 दिन के बाद यानी कि 183वां दिन हमको जाना है, सॉरी यहाँ पे 182 ही होगा, यानी कि 182 दिन इधर और 182 दिन इधर, 183वां दिन यहाँ पे जो होगा वही हमारा इसका आंसर होता है। कभी भी जब ऑर्डिनरी ईयर किया हो तब तो ऐसे ही कीजिए। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो देखिए अब 182 दिन हमको पार करना है तो क्या करेंगे भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है जून, आप देख रहे हैं जनवरी से जून आने पे 6 महीना टोटल हो जा रहा है, कितना 6 महीना, और 6 महीना में कितना दिन हो जाता है, आप अगर सब में एक महीना को अगर 30 दिन के बराबर हम लोग मान के चलें, होता भी है एक मंथ में 30 दिन हम लोग मान के चलते हैं, तो 30 से अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको देखिए डिटेल में आपको बता रहे हैं, जरा समझिए इसको, इसको आगे से इतना आपको लपटा नहीं करना होगा, आप इस बात को समझ ले पहले। तो 30 में 6 से मल्टीप्लाई करने पे 180 हो जाएगा, तो 180 दिन तो हम लोग पहुंच जाएंगे कब, जब 6 महीना ऐसे ही लेंगे हम लोग तब। लेकिन आप ध्यान देंगे कि 6 महीना बनाने के लिए सब में 30-30 दिन बराबर नहीं होता है। देखिए जनवरी में एक दिन बच जाएगा क्योंकि ये 31 दिन का होता है, फरवरी को अभी छोड़ दीजिए, अभी मार्च पे आते हैं, मार्च में भी एक दिन बच जाएगा क्योंकि ये भी 31 का होता है, अप्रैल कुछ नहीं बचेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, मई मई भी देखिए क्या होता है 31 दिन का होता है तो इसमें भी एक बचेगा, अब जून जून 30 दिन का होता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे अब देखिए यानी कि फरवरी तो 28 दिन का होगा ना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी में 28 दिन का होता है फरवरी। अब देखिए इसको तो 2 दिन कम हो रहा है लेकिन हमको 30 बनाना है सबको, तो देखिए 1 और 1 2 यानी कि इसको और इसको जो है हम लोग इसमें डाल दें तो ये भी जो है पूरे 30 दिन का हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या मिला, 1 दिन ज्यादा हमको खाली मिल रहा है, कब यानी कि क्या 180 से 1 दिन ज्यादा हमको मिल रहा है, यानी कि 181 दिन हम लोग पार कर गए हैं, कब जब पूरा जून खत्म हो जा रहा है, तब जून तक आ रहे हैं हम लोग तब। अब चलते हैं, हमको क्या चाहिए, 2 दिन और चाहिए, 2 दिन के बाद 3रा दिन वाला हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए आप यहाँ पे आप 181 दिन हो गया है तो अब अगर 1 जुलाई को अगर हमारे, क्योंकि जून तक खत्म हो गया है, अब 1 जुलाई को आए तो हमारा 182 दिन हो जाएगा क्योंकि 1 दिन और इसमें जुट जाएगा, तो 182 दिन हमको नहीं चाहिए, 182 के बाद वाला चाहिए, तो 1 जुलाई की नहीं होगा इसका आंसर, इसका जो है 2 जुलाई वाला जो हो जाएगा आंसर, यानी कि 2 तारीख 7वां महीना में आता है जुलाई, तो 2 तारीख 7वां महीना ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना समझ पाए या नहीं, बहुत ही हमने प्यार से इसको समझाया है, कमेंट करके आप बताएंगे कैसा लग रहा है ये क्लास, आगे चलते हैं। और देखिए एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी, तो अब देखेंगे 6 मिनट में कितना 300 मीटर, ठीक है। अब औसत दूरी यानी कि क्या, चाल ही तो बताना, यानी कि 60 मिनट में अगर आप निकाल दें कितना ये चल रहा है तो बस आप निकाल लेंगे। तो देखिए 60 आने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड, तो इस साइड भी हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3000 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में यानी कि 3000 मीटर जो है ये गाड़ी जा रही है 3 किलोमीटर। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, जैसा कि इन्होंने सवाल में दे रखा है। तो आपको पता है ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है,
तो 3000 मीटर में 3 किलोमीटर हो जाएगा सिंपली, तो इसीलिए इसका आंसर 3 किलोमीटर वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बोला है एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपए हैं तो उसका वेतन कितना है? तो आप इसको कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, मैं आपको जो है सबसे जो है यहाँ पे बेस्ट वाला है वो आपको बता देता हूँ। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 अगर टोटल था, 1 खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 9 बचा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/10। अब देखिए वह शेष भाग का 20% ईंधन पर, अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। अगर 5 टोटल था उसके पास तो 1 खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 4 बचा, तो 4/5। तो देखेंगे आप इसको ऐसे कर दीजिए कि 10 से 9, पहले 10 था अब 9 हो गया, यहाँ पे रेशियो ले लीजिए, पहले 5 था अब 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं यदि उसके पास 4680 शेष है, यानी कि इस वाले का वैल्यू यहाँ पे 4680 दिया था, देखिए गुणा करते हैं दोनों वाले साइड को, तो देखिए इधर हो जाएगा हमारा 50 और इधर हो जाएगा 9 + 36, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अब यहाँ पे आप कटा भी सकते हैं 2 से 25 बार में, 2 से 18 बार में, लेकिन जरूरत है नहीं, ऐसे भी निकल जाएगा। तो देखिए 4680 जो दिया है वो 36 का वैल्यू होता, भाग दीजिए तो 36 एक बार में रखेंगे, फिर 46 में से 36 घटेगा तो 10 बचेगा और ये 8 उतरेगा तो 108 हो जाएगा। तो 36 × 108 और यहाँ पे 130, क्योंकि 1 0 चिपका है तो 1 0 चिपक जाएगा। अब देखिए 50 एक का वैल्यू आप निकालिए कि 130 है, तो 50 का वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो 130 में 50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 13 5 यानी कि 13 × 65 होता है। 10 इसका, 10 इसका, 20 इस पे जो है चिपक जाएगा, 6500 हमारा हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। बोला है शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए भाई नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या शांत जल में, यानी कि केवल नाव का अपना जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसको हम इसको लिख ही देते हैं धारा जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा जाना है, जो जिस धारा में धारा जो है बह रही है उसके विपरीत दिशा में आपको जो है तय करना, यानी कि धारा का विरोध करते हुए आपको जो है नाव चलाना है, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। देखिए भाई 8 किलोमीटर आपका अगर चाल है और धारा का विरोध कीजिएगा तो आपका चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसका है, तो 2 किलोमीटर से वो जो है आपके चाल को घटा देगा, यानी कि जो नाव का चाल बच जाएगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगा। तो 2 घंटा में निकालना है तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 6 × 2 यानी कि 12 किलोमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखिए किसी समचतुर्भुज की परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए समचतुर्भुज जो है ना, रोम्बस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, और ये जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं एक दूसरे पे। तो देखिए तो समचतुर्भुज का परिमाप जो है 20 है। अब देखिए समचतुर्भुज यहाँ पे साफ बोला है समचतुर्भुज, यानी कि सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चारों भुजा वाला, यानी कि उसका सारा भुजा बराबर है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है समचतुर्भुज। अब जो इसका 20 सेंटीमीटर लिया गया है परिमाप, यानी कि चारों भुजा का जोड़ है, तो यानी कि 4 से अगर भाग मार दें तो ये सब कितने का है, 5 5 का है। देखिए उसके एक विकर्ण की लंबाई 6 है, यानी कि ये विकर्ण जो है यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक, ये कितने का है, 3 का। एक सेकेंड हम इसको जो है हाईलाइट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए,
यहां से यहां तक जो है वो तीन होगा। क्यों होगा तीन ही? क्योंकि भाई जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां तक जो है और यहां से यहां तक बराबर बराबर आधा आधा काट देता है। तो देखिए ये 90 डिग्री के सामने पांच है, ये तीन है, तो आप कह सकते हैं कि हाइपोटेनस यहाँ पे ये है, तो आप कह सकते हैं कि भाई डायरेक्ट ट्रिपलेट अगर आपको याद हो तो ये पांच है ये तीन है, तो ये कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक चार है, तो इस तो ये तो आधा है, तो इसका डबल करेंगे तो पूरा विकर्ण निकलेगा, क्योंकि हमको पूरा विकर्ण पूछा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो चार दूनी आठ हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आगे चलते हैं, अब देखिए कंपनी C1 तथा कंपनी C3 के लैपटॉपों की संख्या का अनुपात कितना है? तो देखिए भाई कंपनी C1 जो है कितना है, C1 कितना है यहाँ पे 12 है, C3 कितना है, C3 आप बोलेंगे 18 है, तो इनका अनुपात लेना है। तो देखिए मन ही में आप निकाल सकते हैं 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 2 रेशियो 3 इसका जो हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, हाँ जी, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 5 वर्षों के लिए, इसको जरा हाईलाइट करते हैं, 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 5 वर्षों के लिए 600 रुपए, 6 वर्षों के लिए 1000 रुपए सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह 1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए भाई कुछ नहीं करना होता है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर समान है, तो आपको जो है एक सेकेंड इसको जो है ऐसे, इसको पहले ऐसे मिटाते हैं। हाँ तो देखिए भाई आप ब्याज निकालते ही कैसे हैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, P(R)(T) निकालते हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं, बराबर SI और R के चलते यहाँ नीचे 100 आता है, तो उसी चीज का हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल करके निकालेंगे इसको। तो देखिए 500 रुपया है, रेट आपको पता नहीं है तो ले लिए R%, सब में नीचे 100 आएगा, 2 वर्ष टाइम है, प्लस अगला बार 600 रुपया है 6 वर्षों के लिए, और R/100 यहाँ भी, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, प्लस 1000 रुपया है R/100 यहां भी, और यहां पे कितना है, नहीं यहां पे ये 5 वर्ष था, यहां पे ये 6 वर्ष। तो देखिए R/100 को तो आप कॉमन ही ले लीजिए, पहले ही आपको ये सब में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप देखेंगे सब में ये जो है 100 से 100 कट जाएगा, नीचे वाला जो 2 जीरो है कटा देगा, तो आप देखेंगे 5 × 10 यहाँ पे, अब देखिए 6×5 = 30 यहाँ पे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ 10×6 = 60 यहाँ पे, देखिए 10 यहाँ पे मिला, 30 यहाँ पे मिला, तो 10×30 = 40 और यहाँ पे 60 यहाँ पे मिला, तो देखेंगे 30×10 = 40 और 60 = 100, यानी कि 100 R का वैल्यू, ये सब R लगा हुआ है इस समय, देखिए यहाँ R है यहाँ R है, तो 100 R का वैल्यू कितना के बराबर है, 1000 के बराबर है, तो यहाँ से आप कटाएंगे तो ये कटेगा 10 बार में, तो R बराबर हमारा हो जाएगा 10% आंसर। आगे चलते हैं, बोला है 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है, तो आप देखिए इस टाइप के सवालों को, ये औसत का सवाल है, 8 सोना है तो ये 20 ग्राम। अब चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35, तो 12 सिक्के हैं तो इसका औसत भार 35 है, तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना है, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए इसको भी हम नेट डेविएशन से निकालेंगे, डेविएशन मेथड जो है ना वो औसत में इतना जबरदस्त काम करता है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो देखिए आप ऐसे गुणा करके और फिर भाग देके जोड़ जोड़ के उसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो वर्चुअल तरीका है, बहुत ही यहाँ पे तो हो भी जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन जब डाटा यहाँ पे कोई 1.25 यहाँ पे 3.51 कुछ कर दे तो आपको खटिया खड़ा हो जाए। अब देखिए हमने मान लिया कि जो औसत है 1200 लोगों का, वो औसत हमने मान लिया 20 है, चलो भाई 20 है, तो देखिए 20 अगर है तो ये तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम आए
तो ये 15 का प्लस हो रहा है, यानी कि कितना पे प्लस हो रहा है, 12 लोगों पे प्लस हो रहा है, यानी कि 15 × 12 यानी कि 180 रुपया ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए हम रुपया ही मान के चलते हैं आपको समझाने के लिए, तो 180 रुपया ज्यादा है। अब हमको 20 लोग टोटल हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 20 लोगों में इसको जो है बांट दीजिए, तो 2 से 9 बार में ये कट जाएगा, 0 से 0 हमने कटा दिया, यानी कि 9 रुपया हमारा ज्यादा आएगा जो हम औसत मान रखे हैं उससे। तो 20 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 29। आगे चलते हैं, तो ऐसे करना होता है सवालों को। ये सवाल देखिए, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो। तो देखिए भाई, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 100% है, यानी कि 100 है, तो जब 15% का लाभ होगा, यहाँ देखिए 15% का लाभ बोला है, तो हम मान के चले 115, यानी कि 115 में बेचा है, और यहाँ सवाल में बोला है 1725 रुपया, और आपसे पूछा है 15% की हानि, यानी कि 100 माने हैं 15 का हानि होगा, यानी कि 85 होगा, तो 85 का वैल्यू आपको जो है निकालना है। तो देखिए यहां से आप अगर कटाएंगे तो 23 × 5 = 115 सीधे, अब 23 × 3 = 23 + 7 = 161, यहां से 7 बार में 11 बचा, फिर यहां पे 5 हो गया तो 15 हो गया, तो 23 × 5 = 115 कटाना होता है, इतना फास्ट आपको। अब देखिए इधर 85 आने के लिए 17 से गुना होगा, तो इधर 75 आने के लिए भी 17 से गुना होगा, तो 17 × 5 = 85 की 5 हासिल 8, 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119 और 8 कितना 127, जो कि हो जाएगा हमारा 1275 इसका आंसर। तो इस तरीके से करना होता है सवालों को, तब जाकर कुछ होने वाला है, ऐसे करते रहिए बनाते रहिए कोई मतलब नहीं बनता है। आगे चलते हैं। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए एक वर्ग की भुजा कुछ वर्ग कुछ इस तरीके का रहता है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त, यानी कि इसके अंदर जो कुछ इस तरीके का वृत्त बनेगा ना सर्कल, उसका जो है आपको क्या निकालना है एरिया। तो अब देखिए अगर इसका भुजा 6 है, तो जब भुजा 6 है इसके अंदर बना है, तो इसका जो रेडियस होगा ना ये 3 होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये पूरा जो है 6 होगा, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, यानी कि रेडियस जो होगा हमारा बीच में होता है, तो रेडियस हो जाएगा 3। तो रेडियस आप निकालिए, और त्रिभुज क्या बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर चाहिए होता है, तो पाई बराबर बोला है कि 22/7 आपको लेना है, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 3 × 3 आप 9 भी डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन 22 में अब 9 से गुणा करेंगे क्योंकि कटने वाला नहीं है, तो 198/7 बहुत ही आराम से हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, यदि ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में काम कर सकते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 0.2 अंकों तक आपको जो है आंसर देना है। तो देखिए भाई इसको हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते हैं, ए 30 दिन में, बी 40 दिन में, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क हम लोग लेते हैं एलसीएम, जो कि हो जाएगा 120, यहाँ पे भी सीएनसी, तो 30 × 120 40 × 3 बार में। अब देखिए तो एफिसी ये जो है अलग अलग काम कर रहा है, अल्टरनेट करके, यानी कि शुरुआत किया ए तो फिर अब क्या करेगा, बी करेगा अगला दिन, और फिर उसके बाद वाला दिन ए नहीं करेगा, सॉरी ए करेगा, फिर उसके बाद वाला दिन बी करेगा, ऐसे ऐसे। तो देखिए यानी कि हम इसको 2 दिन में मान के चलते हैं कि 2 दिन में ये लोग कितने काम करेंगे, तो 4 + 3 = 7 काम करेंगे ना, एफिशियंसी हम दे रहे हैं। तो देखिए हमको काम करवाना कितना है, 120 काम करवाना है, तो आप देखें कि 120 के नजदीक अगर आ सकते हैं, उससे कम ही हो जाए, ज्यादा नहीं हो, तो आप 7 से 120 के नजदीक कम से कम आइए, तो आप उसको देखें कि कितना से गुना करेंगे कि 120 के कम एकदम नजदीक हम लोग पहुंच जाएं। तो सिंपली दिख रहा है कि 17 से 7 बार में 119 हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे, तो गुना इधर भी होगा 17 से, तो आप 17 × 2 = 34 जो है हमारा इधर आएगा।
अब देखिए, आपको अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो आपको पूरा अब करने की जरूरत ही नहीं है। 34 से आपको पता है कि ये ज्यादा आएगा, और क्योंकि 119 ही कर रहा है 34 दिन में, लेकिन एक काम यहाँ पे बच जा रहा है ना, तो 34 से ज्यादा वाला आंसर होगा। और 34 से ज्यादा वाला आंसर इवन 34 का कहीं भी शुरुआत में एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये सीधे आप ऑप्शन मार के निकल सकते हैं बहुत ही आराम से। लेकिन इसको देख लीजिए, बचा कितना काम है, तो एक काम बचा है। अब शुरुआत, अब काम कौन करेगा, तो ये एक करेगा। एक का भी शेष कितना है, तो चार है, तो एक बटा चार। एक बटा चार का आप देखेंगे भाग करके तो 0.25 आएगा। तो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से याद रखना होता है, आपको जो है भाग देके एग्जाम में देखना नहीं होता है। तो देखिए भाई, 34.25 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से, हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4,000 रुपये तथा 4 वर्ष पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है तो राशि कितनी है। देखिए, इस टाइप के सवालों को करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब तरीके, काफी टाइम टेकिंग बकवास तरीके, लेकिन इसका जो है बेस्ट तरीका है, अगर आपको हम फॉर्मूला वाला बताएं तो वो अगर आप याद रखें तो वो भी है, तो उसका और दूसरा बताएं रेशियो वाला, तो वो भी सबसे बेस्ट है। रेशियो सबसे बेस्ट यहाँ पे है, लेकिन पहले आप फॉर्मूला से देखें, यहाँ पे बता देते हैं हम। तो देखिए भाई, फॉर्मूला इसका ये होता है कि जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो कुछ नहीं करना होता है, कम गुणे कम बटा अधिक, ये एक ट्रिक निकाला गया है फॉर्मूला से। तो देखिए भाई, कम 4,000 है, फिर 4,000 से गुणा, और नीचे क्या रखेंगे, 6,000 रखेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं, बोलिए मुस्कुराइए। हाँ, तो देखिए भाई, दो ती, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार में ये कट जाएगा। आप देखेंगे 4 × 8,000 / 3 हमारा यहाँ पे आएगा। आप जब भाग देंगे तो 26 एक बार खाली आ गया, आप 80 में भाग देखे पल देखेंगे तो 26 × 78 होता है, 26 से शुरुआत होगा, वही हमारा आंसर होगा। आपको पूरा भाग देने की भी जरूरत नहीं है, तो आप ये वाला आंसर जो है डायरेक्ट मार सकते हैं। इतना कॉमन सेंस लगाना होता है एग्जाम में, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं होती है हर बार। तो देखिए भाई, ये आप निकाल सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको जो है, हम डिटेल में तो यहाँ नहीं बताएंगे, रेशियो से बता रहे हैं, तो उसका जो मेन तरीका सॉल्व करने का है वही आपको हम बता देते हैं। देखिए भाई, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष पश्चात कितना, 4,000, ठीक है, और 4 वर्ष पश्चात यानी कि 4,000 होने के बाद फिर भी तो 2 ही वर्ष हुआ होगा, तभी तो 4 वर्ष होगा ना, तो यानी कि 4,000 के बाद ये 6,000 हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ भी टाइम 2 वर्ष ही है, यहाँ भी टाइम 2 वर्ष ही है, तो आप रेशियो निकालेंगे 4,000 और 6,000 का, तो आप देखेंगे 2:3 हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो आपको देखना होता है कि वही रेशियो यहाँ भी होगा, क्योंकि टाइम सेम है, तो अमाउंट का रेशियो और ये प्रिंसिपल का रेशियो सेम होता है जब टाइम सेम हो, 2 वर्ष 2 वर्ष जब यहाँ दोनों जगह एक ही है, तो इसलिए रेशियो भी सेम होता है। तो आप देखेंगे कि ये 3 का वैल्यू जो है 4,000 के बराबर है, 3 का वैल्यू कितना के बराबर है, 4,000 के बराबर है। तो आप देखेंगे 1 का वैल्यू 4,000/3 के बराबर है, तो यहां पे देखेंगे ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है, क्योंकि आप 2 साल बाद ऐसे आप लिए थे रेशियो, तो 2 साल बाद यहाँ 2 से 3, तो यहाँ भी 2 से 3, यानी कि इसका गैप जो है 2 साल है, तो आप 2 साल के पहले जब आएंगे तो प्रिंसिपल ही तो आएगा। तो देखिए 4,000/3 एक का वैल्यू, यहाँ पे 2 का वैल्यू निकालना है, तो 4,000 में 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या, 8,000/3, और आप इसको भी भाग देके या फिर जैसे हम बताएं शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं 26 वाला आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए बोर्ड मास का फिर से यहाँ पे सवाल, तो बी फोर ब्रैकेट ओ फोर ऑफ, तो पहले हम लोग ब्रैकेट में जाएंगे, तो यहाँ देखिए 1/3 भाग है, तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पे सीधे, कैसे, ये भाग जो है पलटी मारेगा, गुणा बदल जाएगा, और 1/2 पलटी मार के 2 हो जाएगा, तो आप 1/3 गुणे
ऐसे आप लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2/3 हो जा रहा है अंदर में। तो देखिए भाई, अब 3/4 हम इसको अगर ब्रैकेट को खोलें तो 3/4 गुने 2/3 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पे प्लस। अब 5 × 10 -2 8/5 यहाँ पे इंटू यहाँ पे देखिए गुना है, तो 3/2 यहाँ पे कर दीजिए और ये जो है 2/3। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 3 से 3 बार में और ये 2 से 2 × 4 और ये जो है 2 से 4 बार में 8, ठीक है। अब देखिए 2/3 यहाँ पे, तो यहाँ जो बचा है हमारा 1/2 बचा है, 1/2 ये प्लस का 4 × 3 = 12/5 बचा है। अब देखिए ये प्लस का 2/3 बचा है। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो 5, 2 और 3 का हमारा जो एलसीएम होगा कितना होगा, 30 होगा। अब देखिए 2 से कितना बार में 15 बार में, 5 से कितना बार में 6 बार में, लेकिन ऊपर गुना भी होगा तो बचा 72। अब देखिए 3 से 10 बार में, लेकिन 2 से गुना होगा तो 20। 72 और 20 92 और 15 हो जाएगा 107, नीचे कितना है 30 आएगा, तो 107/30 इसका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आगे चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप वीडियो में बकवास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, हंसी मजाक कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल और केवल पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि ये जो है पढ़ाई का ही क्लास है। मजाक का बात जो है कभी कभी और फिर बाद में कर लेंगे, वो तो हमेशा करना है। तो देखिए भाई, ए तथा बी जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए भाई, ए प्लस बी जो है 20 दिन में, आप लिख लीजिए सबको, बी प्लस सी जो है, हालांकि ये सब मन में आप कर लेंगे, लिखना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो 25 दिन में यहाँ पे, और C प्लस A जो है कितना दिन में भाई, तो आप बोलेंगे 15 दिन में। अब क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालने के लिए 20, 25 और 15 का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 15 का तो एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। अब 60 × 120 = 380 हो जाएगा इसका एलसीएम जो है। आपको फटाक से एलसीएम मन में निकालना होता है, ऐसे नहीं कि आप एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों सा तो आपका जो है रिजल्ट आ जाए और सिलेक्शन हो जाए, हो ही नहीं सकता। देखिए भाई, 20 से 15 बार में, 25 से 12 बार में, 15 से 20 बार में, अब आप सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ए यहां भी है, ए यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, सी भी है यहां, सी यहां भी है, यानी कि दो दो बार आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 × a + b + c और इसको जब जोड़ेंगे तो 15, 12, 27 और 20 = 47, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो केवल वैल्यू है इसको इधर लिखेंगे भाग जाएगा, इधर क्या बोलते हैं गुण, इधर गुना में है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो 47/2 ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, एफिशिएंसी है। तो आपको क्या निकालना है, ए अकेला, यानी कि हम अगर बी प्लस सी में से टोटल इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से अगर इसको हम लोग घटा दें तो क्या आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी आएगा, और भाग मार देंगे 300 टोटल वर्क है तो हमारा आ जाएगा क्या कि भाई इतना दिन में ए समाप्त कर देगा काम को। तो आप देखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 23.5, आप इसे नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 47/2 में से 12 अगर आप घटा दें तो देखिए 12 × 24 यानी कि 22, 47 में से 24 घटेगा, सॉरी 23 बचेगा, 23/2 आ जाएगा और ऊपर जो है 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि 23/2 और ऊपर ये पट्टी मार के जाएगा तो ये वाला चीज यहाँ आ गया। तो देखिए भाई, अब ऊपर 300 × 600 और नीचे आएगा क्या चीज, 23, तो 600/23 इसका हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं, बोला है यहाँ पे आते हैं, इस सब तो दिया ही हुआ है, उससे ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, अगर आप पढ़ने लगे तो आप पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। देखिए कार्यालय में यदि लैपटॉपों की कुल संख्या 3800 है तो कंपनी C2 तथा C5 के लैपटॉपों की कुल संख्या में अंतर कितना है। तो देखिए भाई, C2 और C5 कितना है, 22%, C5 कितना है, C5 किधर है, यहाँ, तो 22% और 13% का डिफरेंस है 9%, यानी कि 9% का वैल्यू आपको निकालना है।
और टोटल जो है लैपटॉप कितना है 3800, यानी कि 100% का वैल्यू 3800 है। क्यों 100% हमने ले लिया, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में जब पूरा होता है तो 100% होता है। तो देखिए भाई 100% का वैल्यू 3800, यानी कि 1% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 38 आ जाएगा, और 9% का वैल्यू निकालने के लिए आपको 38 से गुना करना होगा। 38 में 9 से गुना करेंगे तो 9×72 की 2 हासिल 7, 9×27 7 24 27 7 कितना 34, तो 342 हो जाएगा हमारा इसका आंसर जो कि दिया हुआ है। यहाँ पे चलते हैं, देखिए 24 नंबर सवाल, अभी टोटल 49 मिनट 56 सेकेंड हो गए हैं। तो देखिए भाई, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। लंबाई को 6.2/3% घटा दिया जाता है और चौड़ाई को 8.1/3% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है। तो घनाभ के लंबाई चौड़ाई से बने आयत को आधार मानते हुए 4 पार्श्वफलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के सवालों में। कुल पार्श्व क्षेत्रफल में यानी कि क्या आपसे पूछा है, टोटल क्षेत्रफल, यानी कि टोटल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2×LB+BH+HL। तो आप देखेंगे इसमें हम लोग इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, रेशियो से हम लोग करेंगे इस टाइप के सवालों को। तो आप पहले ये बताइए कि लेंथ ब्रीथ और हाइट हम यहाँ पे जो है कर रहे हैं, जो जैसे दिया है वैसे हम लोग जो है कर रहे हैं। तो देखिए भाई, लंबाई को 6.2/3% से क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो 6.2/3 का मतलब होता है 6×18 = 20/301/15, यानी कि अगर पहले 15 था, कैसे निकालें ये फ्रैक्शन वैल्यू, 15 1/15 यहां से आ गया 1/15, यानी कि अगर पहले 15 था तो अब उस पर 1 बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए चौड़ाई को 8.1/3% जो है बढ़ा दिया जाता है, तो 8.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/12 होता है। सॉरी, यहाँ पे बढ़ाया नहीं है, यहाँ पे लंबाई को क्या लिया है, घटाया है। तो यहाँ पे हम लोग 15 से 14 इसको करेंगे, ना कि 16 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 15 से 14 करेंगे। तो देखिए भाई 15 से 14, हाँ जी, अब यहाँ पे चौड़ाई को बढ़ा दिया, यानी कि 1/12, यानी कि 12 अगर पहले था तो अब जो है कितना कर दिया है, 13 कर दिया है। क्या किया है, इसको चौड़ाई को बढ़ाया है, यहाँ पे इसको जो है 14 को यहाँ पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो। इस 14 को हम मिटाते हैं यहाँ से और इस 12-13 को हटाते हैं, हाँ, तो इस 12 को 12 के सामने यहाँ पे 12 से बढ़ के 13 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और बोला है घनाभ, हाँ, जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा है। यहाँ देखिए ऊंचाई को क्या रखा है, अपरिवर्तित, यानी कि ऊंचाई पहले जितना था, तो ऊंचाई कितना था, 11 था, यानी कि अभी भी क्या है, ऊंचाई 11 ही है। देखिए हम क्या किए, इधर जो पहले वाला था वो लिखे और इस साइड यानी कि दाएं साइड बाद वाला लिखे। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने के लिए, ये पहले वाला है ठीक है, और ये जो है बाद वाला है ठीक है। तो देखिए भाई, अब जब हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2×LB+BH+HL जो है हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो पे काम हो रहा है तो 2 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ के देख लेंगे, ऐसे ही बिल्कुल कुछ नहीं, गुणा भी नहीं करेंगे, जोड़ेंगे 15, 12, 27 और 11 कितना हो जाएगा, 27, 11 आप बोलेंगे 38 हो जाएगा। अब देखिए 14, 13, 27, 11 ये भी किया है 38 है, यानी कि पहले भी 38 है बाद में भी 38 है, यानी कि कोई परिवर्तन जो है नहीं हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा, कोई परिवर्तन नहीं, आप देख सकते हैं हम लोग इसको बिना ये सब गुना वगैरह किए और जो है हम लोग जो है इसको निकाल लिए बिना क्षेत्रफल वगैरह पूरा निकाले। तो ऐसे करना होता है सवालों को। अब देखें ये सवाल, x+y+z यहाँ पे दिया है 400, x=y=z दिया है 1, 1, 2, तो z का वैल्यू कितना होगा ये आपको जो है बताना है। तो कुछ नहीं करना होता है, x+y+z जो है 2+2 4 का वैल्यू जो है कितना 400 ले लीजिए,
सब जोड़िए। हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सबको जोड़ा गया है, तो चार का वैल्यू 400 के बराबर, तो एक का वैल्यू 100 के बराबर। तो आप जेड का कितना दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे जेड दिया है हमारा 2, तो 2 का वैल्यू आपसे निकालना है, यानी कि एक का वैल्यू 100 के बराबर, तो 2 का वैल्यू 200 हमारा हो जाएगा सीधे आंसर। तो आप देख रहे हैं 25वां सवाल जो है आज हमारा समाप्त होता है इस वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप पूरा देखने वाले हैं तो आप समझिए कि बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं। अगर आप स्किप करके या फिर आधे पे भाग ही गए हैं तो आप तो ये जो हम अभी बात लास्ट में बोल रहे हैं ये तो सुन नहीं पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इस वीडियो को इतना ही पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।